अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन और करीम भाई, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। मैं आपकी मेज़बान मारुफा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। भाई, वीडियो की शुरुआत को देखकर आप लोग समझ गए हो कि आज मैं आप लोगों को फिर से एक अल्लाह के वली की दरगाह लेकर जा रही हूँ ज़ियारत के लिए। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बड़ा बाज़ार इलाका लेकर जा रही हूँ हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल का जुमा पीर हज़रत बाबा की दरगाह ज़ियारत करवाने के लिए। तो चलिए निकलते हैं, है काफ़ी ज़्यादा दूर मेरे घर से बड़ा बाज़ार का इलाका, तो निकलते हैं और करते हैं ज़ियारत। आइए। तो भाई मेरे दोस्तों, ये है हमारे शहर कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, और अगर आप लोग हावड़ा स्टेशन से आ रहे हैं तो भाई जुमा पीर बाबा का दरगाह जो है ना, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस में भी आप लोग आ सकते हो, या फिर यहाँ से बहुत सारे बसेस टैक्सीज भी मिल जाएंगे। पहले आप लोग यहाँ की खूबसूरती देख ले, क्योंकि भाई ये है हमारे कोलकाता की शान, हावड़ा ब्रिज, और इसके नीचे बहता है हुगली रिवर, जो कि हमारे कोलकाता की पहचान है। सुभान अल्लाह। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हज़रत बाबा के दरगाह मुबारक उनकी ज़ियारत करने। जहाँ तक हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह कोशिश करके आप लोगों को उनके मज़ार की पूरी ज़ियारत करवाती हूँ। आइए। आप अगर हावड़ा की तरफ से आप आते हैं तो इस तरफ जा सकते हैं, पूरा हावड़ा ब्रिज आपको दिखेगा सामने से। अगर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन उतरते हैं या हावड़ा बस स्टॉप पे उतरते हैं तो आप सीधा ये रास्ता, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है आपका, ये देखिए, ये आपका पूरा हावड़ा ब्रिज है। यहाँ से आप पूरा आराम से नीचे से इस तरफ से आके, और ये जो आपको रेड लाइट दिख रही है, यहाँ से बस है, पहला कट आपका लेफ्ट लेके आप जा सकते हैं आराम से। और अगर सामने से आप उस तरफ से आते हैं तो इस तरफ जा सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता आता है, एक रास्ता इधर से, रास्ता आपका हावड़ा चला जाएगा। ये हावड़ा ब्रिज है सामने, ये देखिए सामने हावड़ा ब्रिज दिख रहा है आपका, ये रास्ता आगे चला जाएगा। यहाँ से आप सीधा जाइएगा इस तरफ, सीधा जाने के बाद जो पहला बायां आएगा ना, वहाँ से टर्न लेके आप सीधा जुमा पीर की दरगाह पे आप पहुँच जाएंगे। ये बड़ा बाज़ार का आप रुकेंगे बड़ा बाज़ार की तरफ, वहाँ से आपको बस से उतर के 212 से ये राइट साइड में अंदर में ले लेंगे। इस तरफ आप जाएंगे तो सीधा गुरुद्वारे वाली रोड आ जाएगी सामने से, चीतपुर क्रॉसिंग, और वहाँ से चीतपुर गुरुद्वारे से अगर उस तरफ से आते हैं तो गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे हावड़ा की तरफ बढ़ के यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में पहला कट पे अंदर ले लेना है। अगर इधर से आप आ रहे हैं तो इस तरफ से आके ये सामने का पूरा व्यू है, यहाँ पर आपको इस गली में अंदर आ जाना है। ये पूरा गली है, आ गया सामने, देख सकते हैं। भाई मेरे अजीज दोस्तों, तो ये है सामने हजरत बाबा जुमा पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का दरगाह मुबारक, और मैं माफ़ी चाहती हूँ ऐसे वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ ऐसा रीज़न था जिस वजह से यहाँ पर का वीडियो जो है मुझे ऐसा बनाना पड़ा था। और अभी मैं आप लोगों को अंदर की तरफ लेकर चलूँगी इंशाल्लाह और करवाऊँगी पूरी ज़ियारत, और आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि जो नाज़रीन किन्हीं भी वली अल्लाह से आस्था रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो कम से कम घर बैठे बैठे मेरे वीडियोज़ के ज़रिए ज़ियारत कर लें और अल्लाह के वली से दुआए खैर कर लें। तो ये देखें
मज़ार शरीफ के अंदर का ये नज़ारा है। हज़रत बाबा जुमा पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार बड़े बाज़ार वाले, यह हमारे शहर कोलकाता के जाने माने वली अल्लाह है। यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि अलग अलग कौम और धर्म के लोग भी पूरे आस्था के साथ आते हैं और बाबा की दुआओं से अपने आरजू तमन्ना को अल्लाह व तबारक ताला से पाते हैं। सुभान अल्लाह। जो कुछ भी आपकी जायज़ तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, देखें मज़ार सामने हैं, आप लोग अगर चाहें तो दुआएं कर सकते हैं। जुमा पीर बाबा, बहुत पुराना मज़ार है हमारे शहर कोलकाता में आप हज़रत का। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस के ज़रिए कहीं और कभी वली अल्लाह का दरगाह मुबारक देखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में हज़रत बाबा का नाम और उनके मज़ार का एड्रेस ज़रूर बताएं। कोशिश करके मैं वहां पहुंचूंगी और ज़ियारत आप लोगों को अपने वीडियोस के ज़रिए करवाऊंगी इंशाअल्लाह। भाई यकीनन वलियों के आस्थाने पर सुकून मिलता है। वो देखें कितने इत्मीनान से सामने एक हज़रात बैठे हैं और ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहे हैं। बेचैन रूहों को, बेचैन कल्ब को सुकून मिलता है वलियों के दरगाह पर। जो वली से सच्चा मोहब्बत रखते हैं, सिर्फ ये जो फीलिंग है वही लोग समझ सकते हैं। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करम आते हैं, वैसे ही हमारे हज़रत जुमा पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की भी बेशुमार करम आते हैं। आज भी आपका दरगाह मुबारक हमारे शहर कोलकाता के पौश इलाके बड़ा बाजार में देखा जाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे नाजरीन और करीम के आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा। भाई अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ऑल में, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जाए। मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वलियों के मज़ार शरीफ के वीडियोज़ लाकर अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ और आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि जो नाजरीन किसी भी वजह से वली अल्लाह से मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं उनके दरगाह मुबारक, तो कम से कम घर बैठे बैठे उनके मजार शरीफ की जियारत का शर्फ हासिल कर ले और दुआएं कर ले। तो ठीक है, चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दे, मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरे बेहतरीन अच्छे वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।